नमस्कार दोस्तों, मैं विनय इन्फॉर्मर आप सभी को स्वागत करता है। आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को मैच्योरिटी से पहले तुड़वाना चाहते हैं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पूरा होने से पहले ही, तो आपको पेनाल्टी देना होगा। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बैंक में करवाई गई अपनी FD को मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालते हैं तो बैंक आपसे कितना परसेंट जुर्माना लेगा। अगर आप इस बात से अनजान हैं, तो इस वीडियो में SBI, HDFC, ICICI बैंक की प्री मिच्योर विड्रॉल नियम और कितने परसेंट जुर्माना लगेगा इन सभी बैंकों का जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज लाइक किया कीजिए, तभी तो हमें लगेगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को कुछ काम आ रहा है। दोस्तों आइए अब इन सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, FD तोड़वाने पर उसे प्री मैच्योर विड्रॉल फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। देखिए होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना FD तोड़वाना नहीं चाहता है, उसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मजबूर होकर अपना FD तोड़ता है। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यह एक पीरियड के लिए लॉक हो जाता है। इन्वेस्टमेंट और पीरियड के हिसाब से ही रिटर्न भी मिलता है, मैच्योरिटी के बाद ही इंटरेस्ट के साथ रिटर्न भी मिलता है, लेकिन बैंक प्री मैच्योर विड्रॉल का भी ऑप्शन देता है। आप चाहे तो FD को तय अवधि से पहले भी इसे निकाल सकते हैं, परंतु तय अवधि से पहले FD की पैसे निकालने पर आपको पेनाल्टी भरनी होती है। वह कितना परसेंट आइए जानते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर आप 5 लाख तक की FD करा रखी है तो 0.50% पेनाल्टी SBI लेता है और 5 लाख से ज्यादा की FD है तो 1% पेनाल्टी देनी होती है। वहीं पर HDFC बैंक की बात करें तो प्री मैच्योर विड्रॉल पर HDFC बैंक 1% पेनाल्टी लगाता है। यही नियम ICICI बैंक का भी है, वह भी 1% पेनाल्टी लगाता है। अगर देखा जाए तो आम तौर पर सभी बैंक अपने ग्राहक से प्री मैच्योर विड्रॉल फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट का 0.50% से 1% तक की पेनाल्टी लेता है, यानी यह जुर्माना आपके ब्याज के पैसे से लिया जाता है। दोस्तों अगर मेरा सलाह माने तो जब तक कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब तक आप अपना फिक्स डिपॉजिट को ना तोड़े, नहीं तो आपको दुगना जुर्माना देना पड़ सकता है। वह कैसे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया 5 साल के लिए और आपने 1 साल में ही FD तोड़ दिया, तो 1 लाख का इंटरेस्ट 1 साल में हुआ 7% के हिसाब से 7,000 रुपया। दोस्तों बैंक में जितना दिन आपका पैसा रहेगा उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, परंतु इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। उसी हिसाब से 7,000 पर आपको 1% पेनाल्टी देना होगा और पेनाल्टी काट कर आपको पैसा देगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पहला नुकसान इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, दूसरी नुकसान पेनाल्टी देना होगा, तो हुआ ना दुगना नुकसान। इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको काम आए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।